तो देखो फ्री फायर मैनेजर बनने के लिए एक बेस्ट सेटिंग चाहिए और एक बेस्ट सेटिंग सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और आप लोगों का प्रॉब्लम कम करने के लिए मैं आप लोगों को सेटिंग बताता हूँ। बट ये सेटिंग किसी किसी का वर्क करता है और किसी किसी का वर्क नहीं करता है, और ऊपर से आप लोग कमेंट भी ठीक से नहीं करते हो। तो अगर मुझे आप लोगों का प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा तो मैं आप लोगों को सेटिंग कैसे बताऊंगा। और ऊपर से आप लोग वीडियो को ठीक से नहीं देखते हो, स्किप करके करके देखते हो, जिसके कारण वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट कट हो जाता है और आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करने लग जाते हो। तो अगर सच में आपको आपका फोन के लिए बेस्ट सेटिंग चाहिए तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी पार्ट को मिस मत करना। और आप लोगों को कमेंट कैसे करने में वीडियो का बीच में बता दूंगा आपको, ठीक है, वैसे ही कमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं आप लोगों को सेटिंग बताऊंगा। और अगर आप लोग आपके हिसाब से कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को सेटिंग नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, स्किप मत करो। तो अभी मैं जितने भी भाई लोगों ने सेटिंग के लिए कमेंट किया था तो उन लोगों का सेटिंग दिखा देता हूँ। तो देखो आप लोगों को ठीक है वैसे ही कमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं आप लोगों को सेटिंग बताऊंगा, वरना मैं आप लोगों को सेटिंग नहीं बता पाऊंगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को देखकर ऐसे ही चला जाते हो और आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो ओके, जिन लोगों को सेटिंग मिल गया है वो लोग वीडियो को लाइक करो, जिन लोगों को सेटिंग नहीं मिला है मैंने आप लोगों को जैसे कमेंट करने के लिए बोला था ऐसे कमेंट करो, आपको सेटिंग मिल जाएगा। और हाँ, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सिर्फ सेटिंग से हेडशॉट नहीं लगता, हेडशॉट मारने के लिए एक सही ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको हेडशॉट मारने का सही ट्रिक चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो पर मैंने हेडशॉट मारने का सही ट्रिक बताया है और मेरा ट्रिक भी बताया है। तो क्लिक करो वीडियो देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।